Hello everyone and welcome to an academy. My name is Dr. Varun Sharma and I welcome you all on the Let's Crack Rajasthan Exams channel of an academy jahan par hum discuss kar rahe hain RPSC IAS exams ke bare mein. So this is about me. My name is Dr. Varun Sharma and I have been training civil service students for the past 2 years. I have trained some 500 out of them and I have appeared for UPSC CSE interview once and for UPSC mains twice. I have given RS interview thrice and written RS mains for all three times. So when you join me at the Unacademy, I'll be providing you personal guidance and strategically preparations for English medium students, especially for them. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊंगा मैं. I will be taking my PPDs and PDFs will predominantly be in English, but जो explanation आप चाहते हैं, I'll be giving you that in Hindi also. So this is about me. और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजपूत डायनेसी, दी चौहान डायनेसी ऑफ अजमेर एंड शाकंबरी. इनको अजमेर के चौहान या शाकंबरी के चौहान भी कहा जाता था. गुड इवनिंग विभा. सो जस्ट वन थिंग, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? इज इट प्रॉपर्ली ऑडिबल टू यू एंड ऑडियो विजुअल करेक्ट? एकदम कोई इशू तो नहीं है? सो दोज ऑफ यू आर ऑनलाइन, कैन यू गिव मी अ रिप्लाई? सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे? विभा, आई विल बी टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स और हिंदी. हाय देवेश. अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स आई विल बी टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश. और जो लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं हिंदी और इंग्लिश के, उसके लिए और भी टीचर्स हैं, आप उनके साथ भी पढ़ सकते हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं. जैसे अजीत रॉय सर हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एक और सर हैं वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. हाई गुड इवनिंग अभिनव. सो आप उनके साथ भी टाइप कर सकते हैं. बट हाँ, मेरा कोड यूज करके आप उनके कोर्सेज भी देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई अन अकेडमी? बिकॉज यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ऑल लाइव डाउट क्लियरिंग ऑफ योर डाउट्स. जो सेशन होंगे अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन भी बनाए जाएंगे. दिस इज अबाउट प्लस आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन मी ऑन प्लस एंड यू विल बी हैविंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द वीडियो. जितनी बार भी चाहे आप वीडियोज देख सकते हैं, कोई उसमें मनाही नहीं होगी कि आप सब एक बार या दो बार देख सकते हैं. एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन विजिट द वीडियोज एंड सी देम. सो ये कुछ एजुकेटर्स की लिस्ट है जो अनअकैडमी के साथ पढ़ा रहे हैं. एंड यू हैव रेड विद सम ऑफ देम आउटसाइड द क्लासेस, बाहर से पढ़े होंगे आप. Everything in English excluding science and math. Yes, Viva. Everything in English. Hindi, of course, in Hindi. But other than that, everything in English except science and math, I will be taking up the classes. मैं public administration पढ़ा भी रहा हूँ. This is my course. It's already going on. इसका part one चल रहा है. ठीक है, so it's part one already is going on. अभी दो classes बची हैं. फिर next month जब शुरू होगा, I think third या fourth से मैं दोबारा class शुरू करूँगा part two की. ठीक है, और इसके बाद अगर आप कोर्स लेते हैं तो आप पार्ट वन भी विजिट कर सकते हैं, पूरा दोबारा से देख सकते हैं. कहीं कोई इशू नहीं है उसके अंदर. यू कैन इजिली सी ऑल द वीडियोस जो पहले से रहे हैं. दे विल बी देयर प्रेजेंट थ्रू आउट द सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड जो है आपका. ओके, सो यू कैन सी देम. सो उसके अलावा अनअकैडमी आपको कुछ मॉक टेस्ट भी करवाता है. वीकली मॉक टेस्ट भी होंगे प्री और मेंस के. जब जैसे प्रीलिम्स की डेट आती है, उसके बाद प्रीलिम्स के वीडियो शुरू करेंगे. द गुड थिंग इज दैट सुना है कि प्रीलिम्स के जो रिजल्ट है, सॉरी जो मेंस का रिजल्ट है 2018 का, वो आई गेस 20th जून के आसपास तक आ जाएगा. 10th जून को हियरिंग है, तो आरपीएससी इज क्वाइट गियर्ड अप टेकिंग अप द इशू विद द कोर्ट. सो मोर और लेस इस नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में 15 से 20 के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा 2018 के मेंस का. तो फिर जून एंड या सेप्टेम्बर एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपकी वो नहीं भी आ जाएगी. सर इन नोट्स वीडियो यू डिडंट मेंशन कोर्स बुक, प्लीज मेंशन देम फ्रॉम क्लास टू क्लास. ओके त्रिभुवन, मैं आपको क्लास में, वैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा प्लस मेंबर है नहीं मैं, तो आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और भी कोई जो भी जानना चाहते हैं मुझसे, मैं कोर्स से बताता रहूंगा. बट मैं ज़्यादा बुक्स इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि दैट मेक्स नो सेंस. ठीक है, तो आपको मैं राजस्थान अध्ययन बता रखी है, हिस्ट्री में जो पढ़ा रहा हूँ बार बार, राजस्थान अध्ययन आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पर या मेन बुक के तौर पर, सब कुछ वही होती है. उसके अलावा जो मैं दे रहा हूँ वो सफिशियंट इनफ है हिस्ट्री का. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हिस्ट्री. फिर भी फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन आप जितनी जो बुक्स लेकर आना चाहो राजस्थान अध्ययन के अलावा, चाहे धरोहर है, चाहे लक्ष्य है, चाहे आप हाय शुभम सिंह या फिर आप पैनोरमा है, कोई भी बुक लेकर आना चाहो, इट्स ऑल योर विश, यू कैन रीड दैट. अदरवाइज जो बेसिक बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, वही पढ़नी चाहिए. ज़्यादा बुक्स पढ़ने का कोई फायदा है नहीं. ठीक है, सो आउट विद सर अन अकेडमी, गो एंड डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. इसके बाद आरपीएससी के चैनल पे आइए, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन. माय कोड इज वरुण 10. रिमेंबर टू यूज दिस वरुण 10, यू विल बी गेटिंग एन अपफ्रंट 10% डिस्काउंट. तो जो 7000 का कोर्स है 12 महीने का, वो आपको 6300 में पड़ जाएगा विद द डिस्काउंट ऑफ 10% यूजिंग माय कोड. और जो 8400 का है वो पड़ेगा आपको 7560 का यूजिंग माय कोड, समवेयर अराउंड 315 रुपीज पर मंथ. सो नॉट अ बिग अमाउंट, इजीली मैनेजेबल, जो आप कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको इशू है कि एक बार आप चेक करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर यू नॉट गो फॉर दीज. 1-3 मंथ्स ना कर
आप प्लस के ऊपर जो मेरी फ्री क्लासेस है वो देख सकते हैं, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि प्लस पे कैसे पढ़ाया जाता है। तो प्लस की स्पेशल क्लासेस टाइम टू टाइम मैं लेता रहता हूँ, अभी लास्ट वीक मैंने 3 क्लास ली है जो सबसे जो करंट अफेयर्स के ऊपर थी, तो उसी तरह से मैं प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सो आपको लगे कि सही प्लेटफॉर्म है, देन यू टेक अबाउट 1 मंथ 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स, ठीक है। शुभम, उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, अल्टीमेट स्ट्रेटजी वीडियो फॉर आरएस एग्जाम, आप उसको देख सकते हैं, उसमें काफी चीजें मैंने मेंशन करी है बुक्स के बारे में, तो वो बुक्स आप वहां से देख सकते हैं। पर अभी मैं दोबारा से वो रिपीट करूंगा, तो जो आज जो टॉपिक है वो बीच में कहीं ना कहीं छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, सो मूविंग फॉर, अच्छा ये मेरा टेलीफोन नंबर है, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड यू कैन कॉल मी अप, यू कैन व्हाट्सएप मी, ड्रॉप डाउन योर नंबर, आई विल कॉल यू बैक। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इससे आप जुड़ सकते हैं, सो माय फ्यूचर क्लासेस के बारे में आपको टाइमली पता लगता रहेगा, सो यू विल बी वेल इन एडवांस इन्फॉर्म्ड अबाउट दी क्लासेस, ठीक है। वैसे तो मैं रोज शाम को 4 बजे आता हूँ, आज 4:30 बज गए, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ पीपीटीज में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, अदरवाइज आई एम यूजुअली ऑन टाइम एट 4 o'clock इन द इवनिंग। तो कल शाम को 4 बजे दोबारा मिलेंगे। वैसे चलिए, सो आज हम शुरू कर रहे हैं चौहान का, इससे पहले हम गुहिल सिसोदिया, मारवाड़ और कछावा डायनेस्टी पूरी इंग्लिश में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब चौहान का जो इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी रही है, पृथ्वीराज चौहान 3 इसका सबसे फेमस रूलर रहा है, सब लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, संयोगिता उसका जो पूरा चैप्टर है, तो वो सब आप लोग सब जानते हैं। बट हाँ, अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले चौहान के बारे में, जो कैसे इनका ओरिजिन हुआ था वो इंपॉर्टेंट बात। तो चौहान का जो ओरिजिन हुआ था, कई लोग उसको अग्निकुंड सिद्धांत भी बोलते हैं, अग्निकुल या अग्निकुंड, फायर ऑल्टर या यज्ञ वेदी से। तो ये कहा जाता है कि आपके वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू के अंदर एक हवन किया था, जहाँ से इन्होंने 4 राज वो निकाले थे आपके राजपूत वंश, जैसे कि परमार थे, ठीक है, चालुक्य थे और चौहान थे, ठीक है। तो ये इन्होंने वो किए थे राजपूत वंश, सबसे एंड में चौहान को निकाला था, जो एक सशस्त्र योद्धा के तौर पर उपस्थित हुआ था, ठीक है। इससे पहले परमार को, चालुक्य को भी इन्होंने निकाला था, ठीक है। लेकिन फिर वो एंड इसमें आइडिया ऐसा दिया गया है कि दे वॉन्टेड टू फाइट दी इन्वेडर्स, ठीक है। इसके लिए इन्होंने अग्निकुल वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू में एक हवन किया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बट अगर मोर और लेस देखा जाए तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, ओरिजिन की बात की थी, कि उनका आइडिया ये था कि वहां पर इन सब लोगों को इकट्ठा करके एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इनका जन्म वहां पर लिटरल मीनिंग में ना लेकर अग्निकुल से आप ले सकते हैं कि किसी तरह से इनको ओथ दिलाई थी या इनको एक तरह से एक ऑर्गेनाइज किया था टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो ये आइडिया हो सकता है जन्म का, वी आर नॉट क्लियर विद द आइडिया कि क्या जन्म से क्या लेना देना है इनका, जन्म से व्हाट एग्जैक्टली दे मीन, बट जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो कयास लगा सकते हैं, कि अग्निकुल के सिद्धांत का मतलब यही होगा कि यज्ञ वेदी से जन्म करवाने का मतलब यज्ञ के आसपास करके इनको ओथ दिलवाई गई थी इन सारे राजाओं को, ठीक है। दैट्स व्हाट ब्रॉडली वी कैन इमेजिन। तो इसी तरह तो पृथ्वीराज रासो भी यही सिद्धांत मानता है चौहानों की उत्पत्ति का, मोहन और नैन्सी भी यही चौहानों की उत्पत्ति का वो मानते हैं, और सूर्यमल मीशन जो भी राजगुरु एक वो पोएट रहे हैं कभी पर बूंदी के अंदर, तो वो भी यही मानते हैं कि ये जो है अग्निकुल से ही पैदा हुए हैं। सूर्यवंशी इनको माना है पृथ्वीराज विजय के अंदर, जयनक की बुक है हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति जो है, बेड़ला प्रशस्ति जो है, सौरन गौरीशंकर हीरचंद, ये सब इनको सूर्यवंशी कुल का मानते हैं। और भगवान इंद्र के वंशज कौन मानते हैं, सेवड़ी का इंस्क्रिप्शन है, रायपाल ने लिखा हुआ है सेवड़ी शिलालेख, उसके अंदर इनको भगवान इंद्र का डिसेंडेंट माना गया है। इसके अलावा फॉरेन ओरिजिन का मतलब बाहर से आए हुए जो है फॉरेन सिद्धांत, ओरिजिन का जो सिद्धांत है वो इनको कर्नल जेम्स शोट, डॉक्टर वी ए स्मिथ और विलियम क्रुक, ये इनके सब वो थे एक तरह से इनके साथ में ही काम करते थे जेम्स शोट के, तो इन लोगों ने मिलकर बोला है कि ये फॉरेनर ट्राइब थी, इंडियन ट्राइब नहीं थी, नेटिव नहीं थी यहाँ की, और इनको बाहर का मानते हैं, ठीक है। और इनको ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, टू बी स्पेसिफिक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है जो शौर्य, जिनकी आप बुक भी पढ़ते हैं, आई थिंक ये वाली किताब है उनकी, नहीं ये नहीं है सॉरी, हुकुमचंद जयेंद्र माली की किताब है, वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। और कायम खान रासो के अंदर बिजौली इंस्क्रिप्शन के अंदर इनको बोला गया कि ब्राह्मण गोत्र, ब्राह्मण से वत्स गोत्रीय वंशीय इनको बताया गया। और चंद्रवंशी इनको मानते हैं हंसी इंस्क्रिप्शन, ये अचलेश्वर का जो अचलेश्वर मंदिर के जो साइटेशन है, जो आर्टिकल जो लेख लिखा हुआ है उसमें इनको ये बताया गया। अब देखिए, आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं मेरा ओरिजिन ऑफ राजपूत के अंदर, मैंने स्पेसिफिकली वहां बताया गया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर अग्निकुंड सिद्धांत किस किसने माना है, तो बेसिकली ये पूछ सकते हैं सूर्यवंश का सिद्धांत किसने दिया था और चंद्रवंश का सिद्धांत किसने दिया था, तो उस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। वो जो फर्स्ट वीडियो है मेरा क्लास का ओरिजिन ऑफ राजपूत, उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये सारे बस बेसिकली डिटेल का भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी, अगर आप इनको बार बार 2-4 बार रीड भी कर लेंगे या माइंड मैप बना लेंगे जो फर्स्ट टॉपिक से लेकर, तो आपको आसान रहेगा इनको याद करने में, ठीक है। तो ये अगर क्योंकि ये सारे जो सिद्धांत हैं सभी सभी सिमिलर लोगों ने दिए हैं,
ठीक है, तो ये हर बार रिपीट होते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि आपको एक साथ सारी चीज़ें कंसाइज हर जगह पर दूँ, इसीलिए मेरे को ये हर उसके अंदर शीट के अंदर डालना पड़ता है जब भी कोई नया टॉपिक मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिन्स के बारे में कहानी आ जाती है इनकी। अब जो इनकी बिगिनिंग कैसे मानी जाती है, तो देखिए जो चौहान की जो डायनेस्टीज है उसको कई नामों से जाना जाता है, शाकंभरी के चौहान भी बोलते हैं इनको, इनको सपादक के चौहान भी बोलते हैं। तो बेसिकली चौहान जो राजवंश है इनको दो तीन जगह से माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेडिवल इंडिया था, जब जो मध्यकालीन भारत था, उस वक्त की सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो राजस्थान में थी वो चौहानों की थी, ठीक है। और जो कि शाकंभरी के थे, अजमेर के चौहान थे। और सबसे करेजियस रूलर जो जैसे अर्णुराज है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज थर्ड है, तो ये बहुत एक इनके पावरफुल और करेजियस लीडर्स हुए रूलर जो इनके टाइम पर जो डायनेस्टी में पैदा हुए थे। एंड देयर किंगडम वाज स्प्रेड फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, तो एकदम पंजाब का जो है, और आज का पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉकिंग पंजाब दैट वाज इन द टाइम ऑफ पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वो भी जिसकी बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है। तो दैट पार्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, दिल्ली तक, कन्नौज तक, जहाँ जयचंद था बाद में पृथ्वीराज थ्री के टाइम, तो वहाँ तक इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली वगैरह सब इनके अंडर में ही आया करता था, दिल्ली को बाद में तोमरों से हराकर भी इन्होंने ले लिया था। तो पूरे साम्राज्य काफी बड़ा इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ड्यूरिंग द मेडिवल ईरा, ठीक है, 551 से लेकर इस टाइम पे इनका जो शुरू होता है पूरा टाइम तब से, ठीक है। लेकिन 12th सेंचुरी के अंदर आते हैं टर्किश इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं, जिसकी वजह से, और फिर बाद में इनकी भी जो पावर है वो कम होती चली जाती है, इनकी बाउंड्रीज छोटी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से एंड में जाकर 1192 की बैटल ऑफ तराइन के बाद इस्लामिक रूल फॉर्मली इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है। उससे पहले क्या होता था, जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे या टर्किश इन्वेडर्स आते थे, अफगान के साइड से जो भी आते थे, दे यूजुअली केम फॉर मनी, वो आते थे, पैसा लूटते थे, वापस चले जाते थे। तो दे नेवर हैड द आइडिया ऑफ स्टैब्लिशिंग अ प्रॉपर रूल इन इंडिया, ठीक है। दे नेवर वांटेड टू रूल इंडिया, उनको लगता था कि पैसा कमाओ चले जाते वापस से, वो अफगानिस्तान, समरकंद, ईरान, इराक, वहीं पर अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। बट इवेंचुअली ये बाद में गलती से इनका रूल स्थापित हो जाता है, वो कैसे होता है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो इसके अलावा भी इनके जो चौहान कई ब्रांचेज हैं, एक नाडोल के चौहान हो गए, रणथंबोर के चौहान, जालोर के चौहान, बूंदी, कोटा, सिरोही, अलग अलग चौहान थे। हम एक एक करके सारे चौहान पढ़ेंगे, पर आज हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ अजमेर के या सपादश के चौहानों पे रहेगा। कल से जो क्लासेस और चलेंगे उसमें एक दिन नाडोल का, रणथंबोर का, इस तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा छोटे टॉपिक्स होंगे तो दो तीन एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनकी बिगनिंग मानी जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो सांभर के जो चौहान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियली, तो उनको सांभर के चौहान, सपादश के चौहान या आपके अजमेर के चौहान क्यों कहा जाता है? तो देखिए जो एरिया, जो सांभर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर शाकंभरी देवी का मंदिर माना जाता है, एक ठीक है, देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है उनको, शाकंभरी का जो मंदिर, देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है उसको। एंड दिस वॉज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ चौहान इन राजस्थान एंड वॉज नोन एज सपादलक्ष। सपादलक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ पर करीब करीब 1,25,000 गाँव का समूह था, तो उस पूरे ग्रुप ऑफ 1.25 लाख विलेजेस को मिलाकर सपादलक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए सपादलक्ष के चौहान इसलिए कहलाते, रीजन ये था, ठीक है। अब ऐसा कई जगह कहा मिलता है कि जो इनकी जो चौहान जो रूलर्स थे, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो इनिशियल राजधानी थी, वह छत्रपुर थी, तो बहुत बड़ा इनका एरिया हो गया अपने आप। जो हर्षनाथ का जो शिलालेख है, हर्षनाथ इंस्क्रिप्शन जो शिला जो सीकर के अंदर है, वहां से ही मिलता है। और वो बोल जो, लेकिन ये प्रेजेंट डे नागौर के अंदर, कौन सी जगह, अहिच्छत्रपुर, ये सीकर के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सीकर के अंदर है, यहाँ से मिलती है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर में है, जो प्रेजेंट डे नागौर है, ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि वासुमेध चाहमन, अब ये ध्यान रखना मैंने टर्म यहाँ चाहमन यूज करी है, क्योंकि ये चाहमन भी कहा जाता है इनको। और आपके लिए एक बात और सरप्राइजिंग है कि चाहमन जो है वो हंगरी यूरोपियन ट्राइब भी है, ठीक है, हंगरी की एक यूरोप, हंगरी जो यूरोपियन नेशन है, तो वहां पर भी कुछ लोग हैं उनका सरनेम चाहमन मिलता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि शायद ये फॉरेन ओरिजिन के लोग थे, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, कई स्पेक्यूलेशन हैं। तो कुछ समय पहले, दो साल पहले के आसपास हंगरी के जो एम्बेसडर थे वो राजस्थान आए थे, उन्होंने यहाँ देवयानी तीर्थ पर दर्शन भी किए थे, बताया भी था कि चामन और चौहान हम लोग अभी डेट बैक टू सेंचुरीज ओल्ड रिलेशन, हमारा करीब 1,000 साल पुराना रिलेशन है चौहान वंश का और राजस्थान का, इंडियंस का, तो वो उन्होंने कही थी। तो हो सकता है वो बात सही भी हो, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, ओके। सो तो वासुदेव चामन जो थे, ही लेड दी फाउंडेशन, चामन चौहान, अब मैं इंटरलेट करता रहूंगा, ठीक है। तो दे लेड द रजिस्ट्री ऑफ 551 AD, तो 551 के आसपास वासुदेव चामन जो इनका मूल पुरुष, हिंदी में टर्म यूज होती है मूल पुरुष, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मूल पुरुष या आदि पुरुष, ठीक है। तो ये था इनका मूल पुरुष, कौन था, वासुदेव चामन इनका, ठीक है। तो ही लेड दी फाउंडेशन ऑफ चौहान किंगडम इन राजस्थान, और यहाँ पर कुल 1,25,000 विलेज थे, इसीलिए ये सपादलक्ष के चौहान कहलाए। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी सांभर के आसपास बनाई थी, क्योंकि सांभर के चारों तरफ के चारों ओर इन्होंने अपना क्या कहते हैं राज्य स्थापित किया था, सांभर लेक के आसपास, तो इसीलिए चारों ओर स्थापित करने की वजह से चामन कहलाए, चौहान कहलाए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इनको चौहान कहलाने का। तो ये सांभर इनके कैपिटल की कुछ लोग ऐसा मानते हैं।
और सांबर लेक वॉज बिल्ट बाय वासुदेव चामन, ऐसा बिजौलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट शिलालेख है, मैंने डिस्कस किया भी था, मेन सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था कि बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में क्या कहा जाता है, तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो बिजौलिया शिलालेख में कहा गया कि वासुदेव चामन ने ही सांबर का लेख बनवाया था, ये प्री का क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसका टाइटल था महाराज। अब देखिए उस वक्त महाराज जो था वो रूलर्स के भी यूज नहीं होता था, महाराज के अलावा और बड़े लंबे लंबे टाइटल्स यूज करते थे अपने लिए, तो ऐसा जान पड़ता है कि ये कुछ ये शायद इंडिपेंडेंट रूलर्स ना होकर उस वक्त सामंत थे ये, ठीक है, फ्यूडल्स थे, ठीक है, तो सामंत थे ये, ओरिजिनली ये सामंत थे, बाद में जाके अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स बने थे, लेकिन उससे पहले शुरुआत में शायद ये चालुक्य रूलर्स के या जो बाकी गुर्जर प्रतिहार राजा थे उनके सामंत हुआ करते थे, जो इवेंचुअली बाद में उनसे अलग होकर इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए, क्योंकि इनका टाइटल महाराज यूज हुआ करता था, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, हाँ, तो वासुदेव के बाद इनका एक सक्सेसर आता है गुवक वन, ये इनका पुत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इनका सक्सेसर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर लेटर सक्सेसर, तो इनका लेटर सक्सेसर आता है इनका दूसरा, उसका नाम है गुवक वन। अब गुवक वन जो होता है उसने हर्षनाथ मंदिर बनवाया था सीकर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसने बनवाया, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ओके। एंड दिस टेम्पल हाउसेज दी आइडल ऑफ लॉर्ड शंकर, तो हर्ष भगवान का मंदिर किसका मंदिर है, वो आपके शिव का मंदिर है, तो आजकल ये क्वेश्चन ही पूछा जाने लगा कि कौन सा मंदिर किसका है, अभी सतीश देवरी किसका मंदिर है, नीलकंठ महादेव कहाँ पर है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे गए अगले पिछली प्री में 2018 के अंदर, कौन सा देवी का मंदिर है, कौन सा जैन मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखना हर्षनाथ जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है, ठीक है, और वहां पर श्री हर्ष के तौर पर उनकी पूजा की जाती है। और गुवक जो था वो नागभट्ट प्रथम का जो एक प्रतिहार शासक था उसका सामंत था, तो इसलिए ये बात और भी ज्यादा स्ट्रांगली पुटअप कर सकते हैं हम लोग कि ही देवर ऑल नॉट इंडिपेंडेंट रूलर्स इनिशियली, देवर और फ्यूडल्स ऑफ डिफरेंट चालुक्यास और गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, इस करके मान सकते हैं, ठीक है। इनके बाद इसके वंश में एक और इंपॉर्टेंट रूलर होता है विग्रहराज सेकंड, ठीक है, तो विग्रहराज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, वो मूलराज फर्स्ट को हराता है, जो चालुक्य राजा था, कहाँ का, भरूच गुजरात का, गुजरात का भरौच, आज भी भरौच बोलते हैं उस जगह को, आज भी प्रेजेंट है वो, प्रेजेंट है गुजरात में मौजूद है, तो वहाँ के मूलराज फर्स्ट को हराता है, और अपनी जो कुल देवी मानते हैं एक तरह से उनको आशापुरा देवी, तो जो मैंने आपको इनिशियली सील दिखाई थी आपको चौहान डायनेस्टी की, उसके अंदर जय मां आशापुरा भी लिखा हुआ है, तो वो ओरिजिनल जो सपादश के चौहान थे सबसे पहले यहीं के चौहान माने जाते हैं, तो उनको उनको रिजेंबल करती है, ठीक है, तो आशापुरा देवी जो भरौच गुजरात के अंदर थी उनका मंदिर बनवाया इसने, ठीक है, इसीलिए विग्रहराज चतुर्थ को मतंगा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट नाम है मतंगा, किसको कहते हैं, प्री का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। सो द ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, यानी इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो हमको हर्षनाथ प्रशस्ति से ही मिलती है सीकर की, जो करीब करीब 973 एडी की है, कौन सी प्रशस्ति, इसके बारे में, और इसलिए ये भी पता लगता है कि ये भी लगभग उसी समय का जो आपके विग्रहराज सेकंड है वो भी लगभग उसी समय का रूलर बनता है, ठीक है। अब जो इनका जो सबसे इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर आता है जो अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता है, और चालुक्य या गुर्जर प्रतिहार रूलर्स का भी क्योंकि उस टाइम पे डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और रूलर बनता है, वो होता है पृथ्वीराज फर्स्ट, ठीक है। और इसी के टाइम पर इसका एक मिनिस्टर था या सामंत था हट्टड़, उसने जीन माता का मंदिर बनवाया था सीकर के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीन माता का जो मंदिर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है राजस्थान के अंदर, वो हट्टड़ ने बनवाया था, जो एक मिनिस्टर था या सामंत था किसका, पृथ्वीराज फर्स्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मंदिरों का आजकल आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनवाया, जैसे कि एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल हिस्ट्री वगैरह के अंदर, तो ये अब झीलों के निर्माण उसका रेनोवेशन का काम किसने करवाया था, तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखने चाहिए, दीज आर जनरली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन आरएएस एग्जाम स्पेशली, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान हमेशा शाकंभरी माता की पूजा करता था, सांबर के पास उनका मंदिर है, तो इसीलिए ये शाकंभरी के चौहान कहलाए, तो सांबर के चौहान क्यों कहलाए, शाकंभरी के चौहान क्यों कहलाए, अजमेर के चौहान क्यों कहलाए, ये आप समझ सकते हैं, और क्योंकि इनको सबसे ज्यादा जानकारी, सबसे ज्यादा इनको ख्याति या जो फेम मिला वो अजमेर में मिला, इसलिए इनको अजमेर के चौहान भी कहा जाता है, तो सांबर के सपादलक्ष और शाकंभरी चौहान, अजमेर के चौहान, सारे जो इनके नाम है वो इसलिए किसी न किसी रीजन की वजह से, वो सारे रीजन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है। इनकी जो कुल देवी है वो जीर्ण माता है, और जो कुल देवता जिसको मानते हैं वो शिव का जो अवतार है हर्षनाथ उनको मानते हैं, ठीक है, तो क्लैन गॉड और क्लैन गॉडेस ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा चौहानों की कुल देवी को शाकंभरी माता को भी माना जाता है, ठीक है, पर कुछ टाइम तक, बाद में शाकंभरी को देवी माना गया आपके कछावाओं की, ठीक है, तो कछावा ने जब यहाँ पर वंश स्थापित किया था अपने क्या कहते हैं आमेर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और जो जयपुर वाले कछावा थे वो बाद में क्या कहते हैं उनकी जो कुलदेवी बनी वो आपके जमवाया माता बनती हैं, जो आमेर वाले जमवाया माता में शिफ्ट होते हैं, उसके बाद ये शिफ्ट होते हैं कहाँ पर आपके जयपुर के अंदर, तो उनकी कुलदेवी कौन सी, जमवाया माता बनती है, तो अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं एक जब मैं आर्ट एंड कल्चर शुरू करूंगा तो उसमें सारा बताऊंगा कौन सी कुलदेवी किसकी है,
तो वो तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं हो भी रहा है तो डोंट वरी, मैं आर्ट एंड कल्चर वो भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, तो वो भी सारा आपको सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब ऐसा भी माना जाता है, जो मैंने बताया आपको, कि चौहान जो थे वो सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के, और करीब 10वीं शताब्दी के अंदर सिंहराज चौहान जो इनका पहला रूलर था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं प्रतिहार से, और उसके बाद से ही क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री मिलना शुरू होती है अजयराज चौहान के समय से, ठीक है। तो अजयराज चौहान के बाद अजयराज चौहान जौहान आते हैं, जो 1105 से 1133 के बीच में रहते हैं, वो पुत्र थे किसके, पृथ्वीराज फर्स्ट के, ठीक है। पृथ्वीराज फर्स्ट जो इनसे पहले जो रूलर था इसके बारे में बात करते हैं, उसके पुत्र थे, एंड ही वॉज इनका जो जो सिक्के चलाए थे इन्होंने अपने समय पे चांदी के, तो उसके पीछे नाम श्री अजय देव लिखा हुआ है नाम, तो अजय देव और अजयराज चौहान ये दोनों एक ही रूलर के नाम है, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम इस तरह से भी मिलता है इनके सिक्कों पर, कॉइन्स पर। और इस ये भी जानकारी मिलती है कि इस समय पे इनकी एक रानी थी सोमलेखा, तो उसने भी चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट है, पूछा भी गया पटवारी वगैरह एग्जाम के अंदर कि कहां पर कौन सी रानी ने भी अपने नाम पे सिक्के चलवाए थे, किस वंश की रानी ने, तो सोमलेखा जो जो आपके चौहान वंश की जो रानी थी उसने चलवाए थे सिक्के अपने नाम से, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जानकारी मिलती है कि अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग बनवाया था, अजय मेरू फोर्ट जो है जो प्रेजेंट अजमेर के अंदर है 1113 में बनवाया था इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर, क्योंकि जिब्राल्टर फोर्ट वैसे स्पेन के अंदर है, मोरक्को और स्पेन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जिब्राल्टर स्ट्रेट आती है, तो वहीं पर जिब्राल्टर फोर्ट बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, बहुत मजबूत फोर्ट है, इसीलिए इसको रिजेंबल करता हुआ फोर्ट अजय मेरू फोर्ट है, तो बहुत ये भी बहुत फोर्ट बहुत मजबूत और स्ट्रांग फोर्ट है, इसीलिए ये जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो पृथ्वीराज जो था, जो मेवाड़ वाला पृथ्वीराज, जो आपके उड़ना राजकुमार, जो सॉरी जो मेवाड़ के नाम पृथ्वीराज था, उसने अपनी पत्नी के नाम पर उड़ना राजकुमार था, उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ का नाम रखा था, बाद में पड़ता है, इनिशियली इस टाइम पर तो था नहीं, तो इवेंचुअली बाद में जब ये मेवाड़ के अधीन चला जाता है अजमेर का दुर्ग, तो वहां पर अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ फोर्ट बनवाता है। ये मैंने सिसोदिया गोहिल सिसोदिया हिस्ट्री जब करी थी मेवाड़ की, तब आपको डिस्कस भी किया था, बताया भी था, ठीक है। तो अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ भी इसीलिए कहते हैं, और इसको गढ़ बीटली क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अजय राज ने पहाड़ ये बनाया था तो उस पहाड़ी का नाम बीटली था, तो बीटली जो पहाड़ी थी उसके ऊपर दुर्ग बनवाया, तो इसलिए इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अजय राज इन हिज लाइफ टाइम वॉज दैट ही गेव चौहान एन ऑर्गेनाइज्ड टेरेन, एक प्रॉपर इनको जगह बनाकर दी कि भाई यहां से तुम रूल कर सकते हो, तो प्रॉपर राज्य की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, अजय राज के टाइम पर हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूलर है इसीलिए इनकी डायनेस्टी का। गढ़बिटली दुर्ग ने बनवाया, अजय मेरू फोर्ट जो नाम कहते हैं उसको, और इसके पत्नी के नाम पर सिक्के भी चलते थे चांदी के सोमलेखा, तो ये बताते हैं कि उस टाइम पे भी फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था चौहान डायनेस्टी के अंदर, तो एक अच्छी बात थी उस वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इनके पुत्र आते हैं बाद में, वो आते हैं अर्णोराज, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं, इनको आना जी भी कहते हैं, 1133 से 1155 का ज्यादा टाइम रूल नहीं किया, 20 साल रूल किया, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेन मानी गई, जो टाइम पीरियड माना गया है, ठीक है। सो ही वॉज द सन ऑफ अजयराज एंड ही डिफीटेड मालवा रूलर नरवर्मन, तो नरवर्मन जो उस वक्त मालवा का जो शासक था, जो जिसने अटैक भी किया था उसको हराया था, ठीक है। बाद में इन्होंने चालुक्य राजा जयसिम्हा को भी हराया था, और उसकी जो पुत्री थी कंचन देवी उससे शादी भी की थी, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया कि चालुक्य रानी थी, पहले क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी वो कौन से राजवंश से थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूलर है अर्णोराज, इसीलिए इसकी पत्नी जो थी वो चालुक्य राजकुमारी थी, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, कंचन देवी इसका नाम था, नाम शायद नाम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, आज आरएस में पूछा गया, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इस तरह कुछ रूलर्स की जो वाइफ्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनकी जो वाइफ्स कौन सी प्रिंसेस अगर किसी बुक में मेंशन किया हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सो अर्णोराज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डिफीटिंग द टर्क्स, तो तुर्कियों को हराने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उसी के जीत में, तुर्कों को हराने के जीत में ही इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था राजस्थान के अजमेर के बीच में, क्योंकि तुर्कियों पर इसकी जीत हुई थी, ठीक है। जयानक ने इसकी किताब लिखी है, बुक का नाम रखना ध्यान रखना, राइटर का नाम ध्यान रखना जयानक, तो जयानक ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज विजय, तो उसमें यह बताया गया है कि आना सागर लेक का निर्माण इसलिए कराया गया था कि तुर्कों को मारने के बाद उनका बहुत खून बहा था, तो उस खून को साफ करने के लिए, हटाने के लिए, वहां पर उस ब्लड बाथ को हटाने के लिए पूरा जो जो बनाया गया था आना सागर झील, वो अर्णोराज ने इसीलिए बनवाई थी, तो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है उनकी लाइफ का कि तुर्कों के आक्रमण को पूरी तरह से विफल किया था, हराया था, और एक अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रांगहोल्ड स्थापित किया था वहां पर, ठीक है। इसके बाद कुमारपाल जो था, एक वो चालुक्य राजा था, उसने अर्णोराज पर अटैक किया था, बट उसने अर्णोराज ने उसको भी हरा दिया था, ही थ्वार्टेड द प्लान्स ऑफ कुमारपाल, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है प्रबंध चिंतामणि, जो मेरुदुंग ने लिखी है किताब, उसकी वो प्रबंध चिंतामणि, इसमें से जानकारी हमको मिलती है। और अर्णोराज ने वराह मंदिर पुष्कर का बनवाया था, तो वराह मंदिर कहां पर है, पुष्कर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके कोर्ट पर थे देवबोध और धर्मघोष,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोड ट्वीट किसके थे, महेंद्रपाल प्रथम पहले पूछा हुआ है, ठीक है, राज तरंगिणी का लेखक कौन है वो पूछे, कल्लण किसका वो था, कोड ट्वीट था, तो ये सब चार के सवाल पूछे हुए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देवबोध और धर्मघोष ये दोनों इनके कोड ट्वीट थे, ठीक है। और अर्णोराज की हत्या उसी के पुत्र जगदेव ने की थी, ठीक है, तो इसलिए उसको पितृहंता कहा जाता है। चौहानों में पितृहंता कौन था भाई, तो जगदेव का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अर्णोराज के बारे में जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन्होंने, कि आना सागर झील है, वराह मंदिर है, देवबोध है, मेरुदुन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और किसको हराया, कौन की प्रिंसेस कौन सी राजकुमारी थी जो इनकी जो वाइफ थी, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रूलर आता है इनके वंश का, वो आता है विग्रहराज चतुर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, कवि बांधव के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो ही वॉज द ब्रदर ऑफ अर्णोराज। तो अर्णोराज के मरने के बाद विग्रहराज चतुर्थ रूलर बनते हैं। 1158 के अंदर इनको ताज मिलता है, और इन्होंने दिल्ली के तोमर रूलर्स को हराया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इसने खुसरो के गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था, तो इन्होंने भी तुर्कों को काफी हराया, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। जयानक भट्ट जो है, जो कवि थे, उन्होंने ही इनको कवि बांधव का टाइटल दिया। जयानक भट्ट इनके कोर्ट पोएट भी थे, ठीक है, सोमदेव भी इनके कोर्ट पोएट था, ठीक है, तो सॉरी सोमदेव ने कोर्ट पोएट था, जयानक भट्ट इनके कोर्ट पोएट नहीं थे, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जयानक भट्ट ने इनको टाइटल कवि बांधव का दिया था, तो यानी जो है ना कवियों का मित्र या स्कॉलर्स का जो मित्र हो सकता है या साहित्यकारों का जो दोस्त है मित्र है, उसके नाम पर कवि बांधव को वो दी थी। और इन्होंने ही हरी केली नाम का नाटक भी लिखा था, तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हरी केली किसने लिखा था, आपके लिखा था कवि बांधव ने, जो कि एक्चुअल में कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। और कोर्ट पोएट था इनका सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नाम की किताब लिखी थी। इनके ललित विग्रहराज एक तरह से ऑटोबायोग्राफी किसकी, विग्रहराज चतुर्थ की, जो इसने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया था, संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत की पाठशाला बनवाई थी अजमेर के अंदर, ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब वो वहां रहा था, तो उसने उसको तोड़कर वहां पर दिलीप ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ढाई दिन का झोपड़ा किसको हटाकर बनाया, संस्कृत की यूनिवर्सिटी को हटाकर बनाया। और एक्चुअली हरी केली नाम की नाटक जो था, इसकी कई चीजें, कई श्लोक इसकी दीवारों पर लिखी हुई भी थी। आज भी कुछ यहाँ पर जो नाटक है वो लिखे हुए, कई चीजें वहां लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है, ढाई दिन के झोपड़े के ऊपर। और ये इसी के समय को, विग्रहराज चतुर्थ के समय को गोल्डन ईरा, स्वर्ण काल माना जाता है चौहान वंश का। तो गोल्डन ईरा चौहान डायनेसी कौन सा था, वो विग्रहराज चतुर्थ का था। प्री में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें किसको माना जाता है। गलती से आप लोग इन्फ्लुएंस में आकर या भावनाओं में बहकर पृथ्वीराज तृतीय को मत करिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बीसलपुर नाम का जो कस्बा है वो बसाया था, सेटल टाउन ऑफ बीसलपुर, और वहां पर बीसलपुर लेक का भी निर्माण करवाया था इन्होंने, जिससे पानी आ रहा है जयपुर, जोधपुर, जयपुर और टोंक, सवाई माधोपुर वाले एरिया में जहाँ पानी पहुंचाया जा रहा है वो बीसलपुर से पहुंचाया जा रहा है, तो ध्यान रखिए दौसा के अंदर। तो बीसलपुर लेक का निर्माण इन्होंने करवाया था, और बीसलपुर कस्बा भी इन्होंने बसाया था। और इन्होंने धर्मघोष सूरी, जो एक जैन मुनि थे इनके टाइम पर, उनके कहने पर एनिमल सैक्रीफाइस उसको रोक लगा दी थी, ठीक है। तो जो पशु बलि होते हैं, नर बलि, खासतौर से पड़वा के दिन इन्होंने, सॉरी एकादशी, इलेवेंथ, वो जो इंडियन कैलेंडर से एकादशी बोलते हैं ना, इलेवेंथ डे ऑफ द मंथ, तो उसके ऊपर तब इन्होंने एकादशी को एनिमल सैक्रीफाइस में रोक लगवाई थी, जो इनके एक सेक्युलर होने का या एक इनको धर्म रक्षक होने का एक टाइटल देने के वो मिलती है। अब इसके बाद क्या होता है, इनके बाद अपार गंगे, ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड, ये दो रोग रूलर बनते हैं, पर ये ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाते, इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके टेन्योर रही नहीं है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं जो आपके काम आ सके, सो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो अपार गंगे को ये दोनों आप बस इनके सक्सेसर मान सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम इनका है नहीं। चलिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो आपके आता है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थ्री। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस पृथ्वीराज का हम जिस बारे में हम पढ़ते हैं, महमूद और गजनी से लड़ाई हुई थी, या जिसने तराइन की बैटल में जो इन्वॉल्व था, वो कौन सा पृथ्वीराज है, वो पृथ्वीराज थर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय। चलिए सो ये ही वॉज द लास्ट वेलियंट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। तो चौहानों के अंदर जो अंतिम बहुत ही करेजियस या बहुत ही स्ट्रांग जो शासक था वो था आपका पृथ्वीराज तृतीय थर्ड, ठीक है। और ये 11 साल की उम्र में रूलर बनता है, और इसकी जो क्योंकि बहुत यंग एज में रूलर बन जाता है, तो इसके ऊपर राजकाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो इसकी माँ कर्पूरी देवी की मदद से ये राज चलाते हैं अपना। और इनके बहुत विश्वास पात्र एक इनका सेना नायक होता है, इनके कमांडर होता है कंबदास, जो कंबवास भी कहते हैं कई जगह, ठीक है। तो वो और ये लोग मिलकर सब इसके साथ रूल करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम जानते हैं अकबर को बैराम खान ने और उसकी महामनंगा जो थी उन्होंने बहुत हेल्प की थी रूल करने में, इसी तरह से कर्पूरी देवी ने और कदमवास ने पृथ्वीराज थ्री को हेल्प किया था रूल करने के अंदर, ठीक है। तो और ये कर्पूरी देवी थी वो एक तोमर प्रिंसेस थी, ठीक है। तो तोमर जो थे दिल्ली के, उनकी प्रिंसेस थी, इनके फादर जो थे उनकी शादी उसकी हुई थी। चलिए अब जो जब जब देखिए होता क्या, पृथ्वीराज थ्री जब रूलर बनता है
तो उस वक्त एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये हुआ होता है कि वहां पर उसके आसपास में चारों तरफ उसके उसके अगेंस्ट में ही लोग रहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग जो रूलर्स थे वो सब उससे अगेंस्ट में थे, और क्योंकि 11 साल की कम उम्र में रूलर बन गया था तो सब उसको मार कर या हरा कर उसका राज्य हथियाना चाहते हैं। तो वो क्या करता है, फिर एक एक करके सबसे बदला लेता है, स्ट्रॉन्ग एक एक करके बदला लेगा फैजल, ठीक है। तो वो यही करता है, तो वो नागार्जुन और भंडारक को हराता है। अब नागार्जुन कौन सा दशहरा भाई होता है, अपार गंगे का बेटा होता है, ठीक है। तो अपार गंगे जो मैंने बताया रूलर बनता है बाद में, वो उसको सबसे पहले तो उसको जो रिबेलियस अंकल था चाचा था इसका, उसको अपार गंगे को मारता है पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद नागार्जुन जो कजन था उसको गुड़गांव के पास में हराता है और उसका रिबेलियन खत्म करता है। उसके बाद वो भंडारक ट्राइब होती है उनको हराता है, कहां पर, जो भरतपुर और आपका मथुरा का एरिया उसके आसपास में इनको हराता है। भंडारक इनके भी जो रिवोल्ट था उसको भी दमन कर देता है, पूरी तरह सप्रेस कर देता है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है, चंदेल रूलर्स को हराता है, ठीक है। तो ये चंदेलों का जो रूलर होता है किंग परमारदी, इसको परमार भी कहते हैं, इसका नाम परमार भी है कई जगह, कई इसको परमारदी भी कहते हैं, तो आप परमारदी नाम से ध्यान रख लो। तो चंदेल शासक होता है महोबा, महोबा जगह है, महोबा के चंदेल शासक, ठीक है। तो महोबा को चंदेल शासक था परमारदी, उसको हराता है, कौन से बैटल, बैटल ऑफ तुमुल में हराता है, ठीक है। अब तुमुल में हराता है और इसी बैटल के अंदर बाद में संधि कर लेता है, तो ये इसकी इसकी जान तो बख्श देता है, लेकिन इसकी बैटल के अंदर आला और उदल नाम के दो बहुत जबरदस्त कमांडर थे, किसके, परमारदी के, वो मारे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, देखिए आला उदल बहुत फेमस कमांडर्स रहे हैं बैटल के अंदर, तो आला उदल को कौन मारता है, पृथ्वीराज तृतीय मारते हैं, थर्ड मारते हैं, और आला उदल किसके लिए लड़े थे, परमारदी के लड़े थे। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि आला उदल लड़े थे पृथ्वीराज के साइड के लोग थे, ठीक है। तो आला उदल मर जाते हैं, इनको पृथ्वीराज चौहान के इसके अंदर बहुत ही बोल होते हैं। चलिए अब विक्ट्री अगेंस्ट चालुक्य किंग्स, तो चालुक्य रूलर्स को हराता है बाद में। तो ये भीमदेव जो था नागौर का रूलर था, उस नागौर के युद्ध में भीमदेव को हराता है, जो गुजरात का चालुक्य रूलर था 84 के अंदर, उसको हराता है और उसको ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से काफी लंबे टाइम से इनका जो लड़ाई चली आ रही होती है, आपके राइवलरी चली आती है और चाली होती चालुक्य रहते हैं, वो अंत हो जाती है, तो वहां से भी सिक्योर हो जाता है। तो पूरी तरह से अपने आपको किंगडम को तीनों जगह सिक्योर कर देता है। फिर बाद में से जगह बचती कन्नौज, ये एक्चुअली कन्नौज है, ये यू टाइप की, मैं इसको चेंज कर दूंगा दोबारा, वैसे भी मुझे इसमें और डिटेल डालनी होगी क्योंकि कन्नौज की कहानी बड़ी लंबी है, तो इसलिए मैं पूरी चीज तो मैंने लिखी नहीं, आई थॉट आई विल बी शेयरिंग इट विद यू लाउड आउट। लेकिन जब मैं इसकी पीपीटीज बना के पीडीएफ बना के भेजूंगा फॉर ऑल दोज मेंबर्स हु आर टेकिंग माय कोड एंड यूजिंग द सब्सक्रिप्शन, तो उन सबको मैं इंग्लिश में पूरे इनके बारे में और डिटेल लिख दूंगा, तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, ठीक है। सो रेस्ट अश्योर्ड, ये सारी डिटेल्स मैं आपको पीडीएफ में बनाकर आज ही भेज दूंगा, मैं वैसे भी अपलोड करता हूँ हमेशा क्लास के बाद, ठीक है। तो ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। सो ये अभी आप पूरी कहानी सुन लीजिए इनकी। अब देखिए होता क्या है, जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज के एक, ये देखिए जयचंद जो था वो कन्नौज का रूलर था, जयचंद। अब ये जयचंद ही वो होता है जिसको हम मानते हैं राठौड़ का जो मूल, राठौड़ का डायनेस्टी का जो फाउंडर हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो राठौड़ जो राष्ट्रकूट रूलर था एक, ये जयचंद राष्ट्रकूट, तो जयचंद राठौड़ जो था वो आपके इसी वंश बाद में राठौड़ डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं आगे बीकानेर नागौर के अंदर। तो अब ये क्या होता है, जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की हमेशा से अनबन चलती रहती है। अब जयचंद जो था वो इसके नाना का, पृथ्वीराज के ही मैटरनल अंकल थे, उनका पोता होता है, ठीक है। हालांकि इससे बड़ा होता है पृथ्वीराज से, लेकिन उसके तो रिलेशन में ही थे एक तरह से, लेकिन इनकी आपस में राइवलरी चल रही होती है। तो अब जयचंद की बहन होती है संयोगिता, और वो संयोगिता क्या होती है, मन ही मन में पृथ्वीराज जी को पसंद कर लेती है। तो अब जयचंद क्या करता है, उसको पता लगता है तो वो बदला लेने की बात करते हैं, पृथ्वीराज से नफरत करता है वो, तो वो सोचता है कि मैं है ना पृथ्वीराज को नीचा दिखाऊंगा, तो अपनी बहन का स्वयंवर वो करवाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाता है, और वहां पर ऐसा बोलता है कि भाई मैं ना पृथ्वीराज को गेट पे रखा रखा है, उसको अंदर नहीं बुलवाते, तो उसका अपमान करने के लिए। अब ये वाली कहानी जो होती है, अभी कहानी है एक तरह से, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कई मूवीज भी बन रही, अक्षय कुमार मूवी में भी आ रहा है इसको लेकर पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो ये इनके वो बात चल रही है। तो होता क्या है कि अब ये स्वयंवर ऑर्गेनाइज करवाता है, तो वहां पर क्या करता है, वो पृथ्वीराज की जो एक आइडियल बनवाता है मैन, मतलब पूरी फुल ब्लोन बस्ट बनवा के बाहर लगवा देता है, ठीक है, उसका आइडियल बनवा के एफईजी बनवा कर बाहर लगवा देता है। अब ये और संयोगिता को बोलता है, तुम्हें जो राजा पसंद है उसको शादी, उसके गले में वरमाला डाल दो। और संयोगिता आती है और पृथ्वीराज को देखती है कि उसका आइडल खड़ा हुआ, पृथ्वीराज को मिलता नहीं है, तो वहां पर जो रोड जो गेट के बाहर जो आइडल खड़ा होता है उसको वो पहना देती है, क्या कहते हैं, माला। और वो जयचंद बहुत चिढ़ जाता है कि ये गलत होता है, बाकी राजा भी चिढ़ जाते हैं। अब एंट्री होती है हीरो की, तो वो जो उन्होंने जो एफईजी बनाई थी वो एक्चुअल में पृथ्वीराज की बॉडी पेंट करके खड़ा हुआ होता है, जैसा कि रीतक ने किया था आपके रूम के अंदर। तो वो क्या करता है, उसको हटाता है और पृथ्वी संयुक्ता को लेकर वहां से भाग जाता है घोड़े पर, जैसी मूवी बताई है, जो जैसा सॉन्ग्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो वो उसको लेकर चल देता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है उसको। अब ये
अब ये चीज क्या होता है, पृथ्वीराज तो कर देता है, लेकिन जयचंद इसको बड़ा अदरवाइज ले जाता है, बोलते हैं मेरी नाक काट दी एंड ऑल दैट। तो वो क्या करता है, अब ऐसा कई जगह मिलता है कि जयचंद की वजह से मोहम्मद गौरी, यार स्पेलिंग मिस्टेक दो तीन हो गई मेरे साथ, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी अटैक करता है इंडिया के अंदर। तो जयचंद उसको इनवाइट करता है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज को अकेला वो नहीं हरा पाता है, ऐसा जानकारी मिलती है, कई सोर्सेस से जानकारी मिलती है। अब देखिए होता क्या है, तो जयचंद जब इसको अटैक करने के लिए बात करता है तो मोहम्मद गौरी तो आता है, लेकिन बाद में जयचंद कुछ ही पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज हरा देता है 91 की बैटल के अंदर। तो जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो होती है मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज की, उसके अंदर पृथ्वीराज हरा देता है किसको, मोहम्मद गौरी को। अब इसके ऊपर मेंस में दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में आपको आज लिखकर और ये आपको पीडीएफ मैं भेज दूंगा, जो ग्रुप्स में है मेरे उनमें मैं पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि इनमें मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज पूरी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, क्योंकि उसका असेसमेंट इवैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बातें बता देता हूँ क्या हुआ था। तो देखिए बैटल ऑफ तराइन जो फर्स्ट हुई थी 1191 के, तो उसमें पृथ्वीराज का पल्ला बहुत भारी था और बहुत बुरी तरह से हराता है वो मोहम्मद गौरी को। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है, जो पृथ्वीराज और जो बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने हमेशा किया, ये लोग हमेशा डिफेंसिव लड़ाई करते थे, अटैक इनके ऊपर होता था तो ये अटैक करने जाया करते थे, इनका नेचर शुरू से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर बिना मतलब के अटैक करने का नहीं था, वो कई हद तक हम सही भी कह सकते हैं क्योंकि पीस के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन कई बार फिर भी क्या होता था, जहां पर आपको अटैक करना चाहिए था वहां पर आप डिफेंसिव हो जाया करते थे, तो ये बहुत बड़ी गलत एक अप्रोच रही इनकी, पृथ्वीराज ने भी वही किया। तो जब उसने 91 की बैटल में उसको हरा दिया तो उसने गौरी को जाने दिया, ये सबसे बड़ी भूल थी उसकी लाइफ की, ठीक है। आपको पृथ्वीराज रासो वगैरह के अंदर ऐसी वो चीजें मिलती कि 17 बार हराया था, हमको भी इंसेंसेस नहीं मिलते हैं 17 बार हराया कि नहीं हराया, हिस्टोरिकली स्पीकिंग दो लड़ाई होती है 91 में 92 में, तो तराइन तो 91 का, अच्छा तराइन है कहाँ पर, मॉडर्न डे कहाँ पर है, ये मॉडर्न डे हरियाणा के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, तराइन कहाँ पर है, तो आगे पूछ सकते हैं, तो तराइन हरियाणा के अंदर है। अब क्या होता है, तो ये इसको हरा देता है, तो ये इसको पीछा करने नहीं करता, इसको मारता नहीं, इसको जान देता है, जिससे इसको मौका मिल जाता है किस बात का, कि दोबारा से अपनी शक्ति संगठित करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एंड ही कम्स बैक इन 1192 अगेन। तो 1192 में अगेन तराइन के आसपास मिलते हैं, एक तरफ पृथ्वीराज का वो पूरा माहौल बना हुआ है, एक तरफ जो पूरा कैंप है वो आपके मोहम्मद गौरी का लगा हुआ है, लेकिन कोई अटैक शुरू नहीं हो रहा है। तो पृथ्वीराज क्या बहुत कंप्लेसेंट था, पृथ्वीराज ये सोचता है कि इसको एक बार तो हरा चुका हूं मैं और दोबारा हरा दूंगा, और मोहम्मद गौरी क्या करता है, बड़ा ही स्मार्टली खेलता है, और वो इस तरह से एक आइडिया फ्लोट करवा देता है पृथ्वीराज के पास कि मैं तुमसे संधि करने वाला हूं, ठीक है, तो मैं तुम्हारी सेना देखकर बहुत डर गया हूं, तो मैं तुमसे संधि करना चाहता हूं, तो ये जो मैं सेना लेकर आया था उसको वापस लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। तो पृथ्वीराज को जब ये न्यूज मिलती है और उसको बहुत ही मतलब मजबूत सोर्सेस से न्यूज मिलती है, तो उसको लगता है कि इवेंचुअली मैं जीत जाऊंगा दोबारा से लड़ाई, और मैं क्या है इसको वापस से माफ कर दूंगा। तो वो क्या करता है, वो बहुत कंप्लेसेंट हो जाता है, तो ही इज नॉट टू मच इनटू द फाइटिंग मोड, और वो वहां पर अपनी ऐसी चल रही होती है उसकी, तो बैटल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो तराइन में चल रहा होता है, बट इवेंचुअली सरप्राइज अटैक होता है मोहम्मद गौरी की तरफ से पृथ्वीराज के ऊपर, और वो बिल्कुल हक्का बक्का रहता है, ही इज इन द ह्यू एंड क्राई, उसको पता नहीं लगता कि मुझे क्या करना है, और इवेंचुअली तराइन की सेकंड बैटल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, वो हार जाता है। अब कई ऐसे इंस्टेंसेज मिलते हैं जहां पर यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी वापस ले जाते हैं अपने साथ मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी फ्रॉम गजनी है, ध्यान रखना, तो मोहम्मद गौरी ने आया था गजनी 1092 में आया था, जो सोमनाथ वगैरह को अटैक करता है वो सब, तो ये दूसरा वो मोहम्मद गौरी आए गजनी से थे दोनों। तो अब ये क्या होता है, तो ये सोचता है कि भाई अब कई जगह हमको इंस्टेंसेस ही मिलती हैं कि ये वापस ले जाते हैं। अब कई जगह ऐसा भी सुनने को मिले, जो कुछ राजस्थान में सिक्के मिले जहां पर एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, एक तरफ पृथ्वीराज लिखा हुआ है, तो ये भी जानकारी मिलती है कि हो सकता है पृथ्वीराज को यहीं छोड़ गया हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि वो वापस लेकर गया था या नहीं लेकर। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखी है बुक, उसके अंदर ये कहा गया है कि पृथ्वीराज को वापस लेकर जाता है गौरी, और वहां पर उसको ले जाता है, उसकी आंखें फोड़ देता है, उसको जेल में डाल देता है, फिर मारा मारा, और चंद्रप्रदाय इसका बचपन का दोस्त होता है, उसको भी लड़ाई आती है, तो वो भी क्या है मारा मारा उसके पास वहां गौरी गजनी पहुंचता है, और गजनी को पहुंचकर गौरी को बोलता है कि आपको पता है पृथ्वीराज को शब्दवेदी बाण चलाना आता है, तो भाई गौरी उससे पूछता है भाई शब्दवेदी बाण होता होना क्या, ऑन द साउंड होता क्या है, तो वो बोलता है कि भाई आवाज सुनकर और निशाना लगा सकता है, तो आपने आंख फोड़ी तो भी उसको आप ये तरकीब आपको देखनी चाहिए, वंस इन लाइफ टाइम आपको ये मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, आप देखो। तो गौरी बड़ा खुश होता है, बोलते हैं ठीक है यार मैं देखता हूँ, तो वो क्या उसको बुलवाता है। अब सिनेरियो, अब ये सारी चीजें मूवी की तरह चल रही है, उसकी बुक में लिखी हुई है चंद्रवरदाय की, पृथ्वीराज रासो में, ये फैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या करता है, जब वो वहां पहुंचता है तो उसको दरबार में बुलाते हैं, अब दोनों गले मिलकर बहुत रोते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वीराज और चंद्रवरदाय, तो उसको मौका मिल ही जाता है एक बार दोबारा मिलने का उससे। तो वो क्या करता है, पृथ्वीराज उसको बोल देता है, सॉरी चंद्रवरदाय पृथ्वीराज को बोल देता है भाई कि मैं ऐसा करूंगा, मैं तेरे को बातों बातों में बता दूंगा गजनी तेरे से कितना दूर है, तू बाण अपना तैयार रखना और जैसे ही मैं बताऊं तो उसको मार देना, ये उसको बोल देता है वो।
वगैरह अगर मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है और इसको तो मारना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो बोलता है, तो अब वो दरबार के अंदर बैठा होता है, तो अपनी कहानियां सुना रहा होता है, तो बातों बातों में वो बोल देता है जो फेमस दोहा है उसका, चार बाण 24 गज अंगुलश प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये बात बोल देता, अब ये मैं हिंदी में लिख नहीं सकता था पूरा इतना, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, फिक्शन है। तो फिर वो सुन लेता है और शब्दभेदी बाण चलाता है, गौरी को मार देता है। अब ये सारी फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है, ये पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रप्रदाई ने लिखा है। एक्चुअल में क्या हुआ था, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट, वी डोंट नो दैट ही वाज लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया और ही वाज टेकन बैक टू गजनी, ठीक है। लेकिन ये पता होता है कि वो रूलर नहीं रहता उस टाइम पर, और पृथ्वीराज और ये गौरी क्या करता है, उसका जो बेटा होता है गोविंद राज, उसको अजमेर का शासक बना देता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज का जो बेटा होता है गोविंद राज, उसको अजमेर का रूलर बना देता है, और दिल्ली का रूलर किसको बना देता है, वो दिल्ली का रूलर बना देता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन? गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का रूलर बना देता है वो, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम होता है, तो ये दिल्ली का रूलर बन जाता है, और ठीक है। और 1196 के अंदर ये वापस गजनी लौट जाता है। कौन? गौरी। तो गौरी 1196 में वापस गजनी लौट जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप देता है, कि बोलता है आज से तुम रूल करो यहाँ पर और पैसे भिजवाते रहना, ठीक है। तो ये होता है इसका स्लेव, और इसको फिर ये खुतबा पढ़ता है खलीफा से लेकर टर्की से, और फिर ये दिल्ली का शासक बन जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और बात होती है कि कन्नौज का जो जयचंद था उसकी हेल्प करता है गौरी की पृथ्वीराज को हराने के अंदर। उसके बाद दूसरी बैटल ऑफ कन्नौज एक और होती है, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज। उसके अंदर जयचंद को हरा देता है कौन? गौरी। तो उसके बाद इसको भी हरा देता है, इसको भी मार देता है, जयचंद भी मारा जाता है। तो इस तरह से गौरी भी मर जाता है, पृथ्वीराज भी मर जाता है, और पूरी दिल्ली के ऊपर और दिल्ली के आसपास के बाद पहली बार सल्तनत पीरियड शुरू होता है। इसी को हम सल्तनत पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो पहली बार सल्तनत काल जो शुरू होता है, सल्तनत जो रूल शुरू होता है, वो इसी टाइम पे शुरू होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पूरी इंडिया का जो सिस्टम है चेंज हो जाता है। तो पृथ्वीराज थ्री वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु हैड थ्वार्टेड द अटेम्प्ट्स ऑफ द टर्क्स और जो अफगानीज या जो ये इस तरफ के जो जितने भी इन्वेडर्स आए थे, इस्लामिक इन्वेडर्स, उनको रोक देता है, ठीक है। तो इसको लास्ट हिंदू किंग भी माना जाता है। ये लास्ट हिंदू किंग इसलिए क्योंकि उस वक्त इसके अलावा और कोई रूलर था नहीं जिसने इनसे टक्कर ली थी, ठीक है। और एक लास्ट हिंदू किंग जिसके अंदर में पहली बार लास्ट टाइम लड़े थे सारे के सारे रूलर्स मिलकर, वो होता है आपका राणा सांगा, जब ये बाबर से लड़े थे। तो ये ध्यान में, अलग अलग चीजें हैं, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो ये चीज, तो ये पृथ्वीराज की बैटल ऑफ क्लाइंट की फर्स्ट और सेकंड की वो पूरी कहानी है, ठीक है। अब इसके डिटेल नोट्स आपको आज शाम तक जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल दोज हैव यूज्ड माय कोड एंड बिकम द मेंबर्स ऑफ प्लस, तो उनको इंग्लिश मीडियम के सारे पीडीएफ में इनके बारे में ये कैसे शिफ्ट हुआ था, जो सिस्टम शिफ्ट हुआ था। अब देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक पृथ्वीराज थर्ड की ये अदूरदर्शिता ही थी, ठीक है। ही इज नॉट सो फॉरवर्ड लुकिंगनेस, जिसकी वजह से गजनी मोहम्मद गौरी सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द रूल इन इंडिया। तो पहली बार जो कोई और इस्लामिक रूल या इस तरह का कोई भी जो आउटसाइडर्स थे उनका वो रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था, वो गलती, इसके लिए इतिहास उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा बुक्स में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है, ऐसा बुक्स में लिखा है। तो उसकी वजह से पृथ्वीराज थ्री का जो रूल था वो एक उसकी बेवकूफ़ी से या उसकी आलस या विलासिता लेजर जो वो टाइम स्पेंड करता था अपना, सो वो है। बहुत ज़्यादा इसको आप ऐसे मत कहिए, बहुत बड़ा हीरो था ऐसा, आई मीन अच्छा था, हीरो था, फाइटर था, लेकिन एक रूलर का जो काम होता है वो इवेंचुअली होता है, जब तक खतरा आपके सामने है तब तक आपको आप टेक इट कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, वो कंप्लेसेंट हो गया था। यही प्रॉब्लम इसके साथ हुई थी, यही प्रॉब्लम मालदेव के साथ हुई थी, यही प्रॉब्लम आपके राणा सांगा के साथ हुई थी, जो इन्होंने बार बार इन्होंने हिस्ट्री से सीखा नहीं, इन्होंने रिपीट की ऐसी गलतियां, कंप्लेसेंट हो गए, अटैक नहीं किया जब इनको अटैक करना चाहिए था, बयाना के वॉर के बाद राणा सांगा करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया तो वो हारा। ऐसे ही मालदेव के टाइम पे और शेरशाह सूरी को, सूरी के अगेंस्ट मालदेव को करना चाहिए था, वो भी अटैक नहीं कर पाया, वो भी एक डिफेंसिव पॉलिसी के अंदर चला गया। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स आपको बार बार रिपीटेटिवली दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब इनको आप इवैल्यूएट करोगे तो इनकी इस जो प्रॉब्लम है इनकी, इसको जरूर बतानी होगी। तो वो इवैल्यूएशन वाला आंसर मैं आपको मेंस के अंदर अभी नोट्स के अंदर लिख के थोड़ी देर में इन हाफ एन आवर और सो आई विल बी अपलोडिंग इट। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यही था, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अनअकैडमी का, तो जिससे आपको मेरी क्लासेस के बारे में अपडेट मिलती रहे। और इफ़ यू वांट टू जॉइन मी ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म, यूज माय कोड वरुण 10, आई विल बी गिविंग ऑल ऑफ यू दी नोट्स इन इंग्लिश मीडियम। तो वैसे ही बहुत कम इंग्लिश मीडियम के एजुकेटर्स अवेलेबल हैं राजस्थान में आरएस एग्जाम के लिए, सो जॉइन मी ऑन दी प्लस। अभी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चल रहा है आरएस एग्जाम्स के हिसाब से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पुराने वीडियोज भी सारे देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं प्लस के ऊपर। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 4:00 इन द इवनिंग विद जो इसके बाद वाले जो टॉप जो चौहान रूलर्स हैं, तो वो आज इस वीक के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे और भी नई चीज़ें शुरू करेंगे। सो टिल देन आई विल बी सी यू गाइज ऑन टुमारो एट 4:00 इन द इवनिंग। तो ध्यान रखें अपना एंड सायोनारा।